हाय गाइस, आज हम बात कर रहे हैं मैटर के बारे में। मैटर होता क्या है? मैटर मींस उसको हिंदी में कहा जाता है पदार्थ। एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस, मतलब कोई भी चीज़ जो स्थान घिरती है, जिसमें द्रव्यमान हो, उसको पदार्थ यानी मैटर कहा जाता है। जितने भी सॉलिड लिक्विड गैस हैं, सभी हमारे मेड ऑफ मैटर, मतलब सभी मैटर से मिलकर बने होते हैं। अब बात करते हैं मैटर किससे बना होता है। तो मैटर इज मेड ऑफ ए स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्ट दैट इज नोन एज पार्टिकल्स। मतलब मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, प्रकृति रासायनिक गुणों के अनुसार से मैटर को क्लासिफाई किया गया है तीन ग्रुप में, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब देखते हैं, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। बेसिक कैरेक्टर, बेसिक्स ऑफ केमिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर केमिकल रासायनिक गुणों से दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्योर, दूसरा होता है इम्प्योर। प्योर क्या, प्योर के भी दो पार्ट होते हैं, एक एलिमेंट होता है, दूसरा कंपाउंड होता है। और इस एलिमेंट के चार भाग होते हैं, जो मेटल होता है, नॉन मेटल, मेटलाइट्स और नोबल गैसेस होती हैं। अब इम्प्योर जो होता है उसका टाइप से मिक्सचर, या मिक्सर को ही इम्प्योर कहा जाता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस का एग्जांपल जो होता है वो सॉल्यूशन होता है, और हेट्रोजीनियस का जो एग्जांपल होते हैं वो उसके पार्ट्स होते हैं सस्पेंशंस एंड कोलाइडल। अब प्योर क्या होता है, प्योर की बात करें, प्योर सब्सटेंसेस क्या होती है मैटर। प्योर, ए प्योर सब्सटेंसेस इज कंपोज्ड ऑफ सेम काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसको प्योर कहा जाता है। जैसे सोडियम है, हाइड्रोजन है, वाटर है, ऑक्सीजन है। अब प्योर के जो पार्ट होते हैं, उसके बाद बात करते हैं एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट होता क्या है, इट इज द प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट जो होता है वो प्योर सब्सटेंसेस होता है, विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है, जिसकी एटॉमिक नंबर भी सेम होती है। जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। मतलब अब एलिमेंट को आसानी से समझने के लिए, जैसे मैग्नेट, जैसे आयरन है, आयरन कि कितना भी छोटा पार्ट कर दें तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, जो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी, चाहे छोटा पार्ट हो या बड़ा पार्ट हो, दोनों के दोनों मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे ही, वही एलिमेंट होता है। मींस एलिमेंट्स आर मेड ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स। अब बात करते हैं कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंसेस होता है जो कि दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है। इन कंबाइंड केमिकली, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, इन डेफिनेट रेशियो, मतलब निश्चित अनुपात में, मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया कराई जाती है, तो इससे बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको कंपाउंड कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू मेक अ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब दोनों मिला के एक मॉलिक्यूल्स वाटर के बनाएंगे। उस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी आपका क्या है, कंपाउंड है। अब बात करते हैं इम्प्योर, इम्प्योर सब्सटेंसेस की। इम्प्योर मैटर जिसको मिक्सर कहा जाता है, इम्प्योर सब्सटेंसेस आर कॉमनली कॉल्ड इन मिक्सर, मतलब मिक्सर को ही आपका इम्प्योर कहा जाता है। व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टू ईच अदर, मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, तो उससे जो बनता है वो क्या बनता है, वो आपका मिक्सर बनता है, मिश्रण बनता है। जैसे साल्ट एंड वाटर हो गया, गैस हो गया, एयर हो गया। अब बात करते हैं इसके टाइप्स जो होते हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सर्स आर दैट मिक्सर्स व्हिच आर टोटली मिक्स्ड टू ईच अदर, मतलब जो एक दूसरे से पूर्ण तरीके से मिल जाए। जैसे मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर, साल्ट और वाटर को मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे से पूरे तरीके से मिल जाएंगे, शुगर एंड वाटर, तो इसको कहा जाता है होमोजीनियस। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। डैट मिक्सचर्स जे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब कि वो पूरी तरीके से मिलता नहीं है, कुछ ना कुछ सस्पेंड, मतलब बच जाता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को
एक दूसरे को मिलाया जाता है, तो जो मिल जाता है उसे ही मिक्सर कहा जाता है। जैसे साल्ट एंड वाटर दोनों एक दूसरे से मिल गए तो सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर उसको कहेंगे। अब कंपोनेंट इसके कौन कौन होते हैं? इसके कंपोनेंट्स दो होते हैं, एक सॉलिड्स होते हैं, दूसरा सॉल्वेंट होते हैं। सॉलिड क्या होते हैं? सबस्टांसेस, मतलब जो जिसकी मात्रा कम होती है उसे सॉलिड्स कहा जाता है। जैसे आपका साल्ट एंड वाटर में साल्ट जो होगा वो सॉलिड्स हो जाएगा और वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसकी मात्रा ज़्यादा हो उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। जैसे वाटर और साल्ट में वाटर इज योर सॉल्वेंट, मतलब जो मिलाता हो उसको सॉल्वेंट कहा जाता है, जो घुल जाता है उसको आपका सॉलिड्स कहा जाता है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है? जो एक नियत ताप पर एक उसकी फिक्स है कि उससे ज़्यादा वो नहीं अपने में मिला सकता है उसको सैचुरेटेड कहा जाता है। जो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे उसे सॉलिड्स की मात्रा बढ़ती जाती है, उस केस में उसको अनसैचुरेटेड कहा जाता है। सॉलिबिलिटी क्या होती है? इट डिनोट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सबस्टांसेस कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, मतलब सॉलिबिलिटी वैसी होती है कि जो आपकी ज़्यादा से वो अत्यधिक मात्रा जो उस सॉल्वेंट में मिल जाए उसको कहा जाता है सॉलिबिलिटी। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, नेचर ऑफ सबस्टांसेस हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करती है।